हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नाजीज किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ ग्रीन पोटैटो फ्राइज, जो बहुत ही टेस्टी और सिंपल रेसिपी है। इसके लिए हम लेंगे आधा किलो आलू। इसे पील आउट करें। सारे आलू छिलने के बाद इसे डाइस शेप में कट करें। एक लीटर पानी में आलू को डालें। आधा टीस्पून नमक डालकर इसे हाई फ्लेम पर बॉईल होने के लिए रख दें। 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं आलू अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब फ्लेम बंद कर दें। पानी ड्रेन करके आलू को साइड में रख लें। पैन में 2 टीस्पून ऑयल डालें। ऑयल गर्म होने के बाद हाई फ्लेम पर आलू को डाल दें। आधा टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च डालकर हाई फ्लेम पर अच्छे से फ्राई करें। आलू को चम्मच से ना हिलाए, पैन से ही फ्लिप करते रहें। 8 मिनट तक आलू को फ्राई करने के बाद आलू लाइट ब्राउन कलर में आ चुके हैं, आप फ्लेम बंद कर दें। 3 लहसुन, 3 टेबलस्पून हरा धनिया, 5 हरे मिर्च, थोड़े से करी पत्तों को जार में डालकर सूखा पीस लें। आलू को निकाल के मैंने साइड में रख लिया है। अब उसी पैन में 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल गर्म होने के बाद मीडियम फ्लेम पर पिसे हुए सूखे मसालों को डालकर 2 मिनट तक फ्राई करें। मैंने रेसिपीज को कैटेगराइज करके प्लेलिस्ट पर अपलोड किया है, आप चाहे तो वहां पर देख सकते हैं। 2 मिनट के बाद आलू को डालकर थोड़ा सा मिक्स करें। इस इजी रेसिपी को आप लंच बॉक्स में भी प्रिपेयर करके रख सकते हैं। आधा टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर डालकर 2 मिनट तक आलू को फ्राई करें। अपने हिसाब से नमक को डालकर फ्लेम बंद कर दें, डिश आउट कर लें। इस इजी रेसिपी को आप जरूर से ट्राई करें और मुझे बताएं ये आपको कैसी लगी। हमारे सिंपल और टेस्टी ग्रीन पोटैटो फ्राइज खाने के लिए रेडी हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन हिट करना बिल्कुल ना भूलें।